क्यान हो गया अब रेडी, जाएगा स्कूल। क्यान क्या आ रही है वैन लेने, है ना क्यान? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सारे अच्छे होंगे, सब मजे करेंगे अपनी अपनी लाइफ में। और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में, सब मजे में ना? तो यार कल का व्लॉग तो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया। अगर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी यू नो अच्छा लगेगा। भाई ये क्या लटक गया यार। हाँ भाई, एक तो इसने अभी ना वो खाया पीनट बटर और मुंह नहीं धुलवा रहे, इससे पूछ दिया गंदे बच्चे। इसने पीनट बटर खाया भी और ये ना मेरे सारे कपड़े गंदे कर रहा है, ब्लैक वैसे पहने हुए। क्या आओ हैंड वॉश कराता हूँ। चलो चले यार, एक्सीडेंट हो गए हैं यहाँ। यार पेंटर ना मिल रहे हमारे, पेंटर ढूंढ लिए पूरे गांव में, देख लिए कहीं पेंटर ना मिल रहे। जो भी मिल रहे वो कह रहे भाई टाइम नहीं है। तो अभी यार सुबह सुबह गया एक जगह पेंटर की बात करने, वो कह रहा भाई आ रहा हूँ मैं, वो एक घंटे में घर आ जाएगा, देखने कि भाई कहाँ कितना है, वो अपने हिसाब से बजट बना के बताएगा। मुझे ये फिल्म इंडस्ट्री क्यों पसंद है आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें ना जब इस लाइन में मैं आया था तो मेरा ड्रीम ये है कि कैमरे ही कैमरे, रोड पे इधर उधर जाओ, जहाँ हर जगह कैमरे गिर ले, तो ये मेरा ड्रीम। और वन टेक आर्टिस्ट मैं पहले भी था, वन टेक आज भी हूँ अपने आप को कहता हूँ मैं। मुझे ना 20 30 50 बार रीटेक देना बिल्कुल पसंद नहीं है, और वैसे देना पड़ता है क्योंकि एक अच्छा शॉट आ जाए तो और भी अच्छी बात है। उसके लिए मुझे सबसे अच्छा लगता है फिल्म इंडस्ट्री का ना, अपनी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे सबसे अच्छा क्या लगता है, जब वो चेक देते ना बना के। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में करवाना है अल्ट्रासाउंड, फिर उसके बाद में शाम को दोबारा डॉक्टर ने बुलाया तो वहां जाएंगे। तो अभी चलते हैं भाई। क्या सुन रहे, आवाज सुन रहे इनकी? क्या कह रही है? सो गाइज पेंटर लिख के चला गया, सारा सामान उसने लिखवा दिया है, कह रहे कि भाई ये ले आना। तो भाई अभी जा रहा हूँ जिम, एक्सरसाइज कर लेता हूँ थोड़ी देर जाके, फिर उसके बाद में दोबारा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है उसकी, तो डॉक्टर के पास जाना है। 7:30 बजे का टाइम है और अभी बज रहे हैं 5:30। मैं सर पहले ही आज एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बाद में जाऊँगा तो फिर वही जिम में, वैसे भी उस टाइम में भीड़ होती है, आज थोड़ा सुकून से कर लेंगे एक्सरसाइज। आप लोगों को मेरे व्लॉग ना थोड़े बोरिंग लगते होंगे, लेकिन एक स्ट्रगलिंग एक्टर जो होता है वो भाई इसी तरह से अपने व्लॉग में दिखा सकता है, अपनी लाइफ दिखा सकता है कि भाई कैसे क्या चल रहा है। और स्ट्रगलिंग में नहीं कह सकते, लेकिन मैं अपने आप को स्ट्रगलिंग एक्टर बोलता हूँ जब तक अच्छे से नाम, एक स्पेशल कैटेगरी नहीं कि भाई मैं या तो अपनी एक्टिंग लाइफ या दूसरा ट्रेवलिंग व्लॉग या फूड व्लॉग, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। लेकिन ये जो डेली बेसिस में मेरा चल रहा है वो मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ, तो इसलिए थोड़ा अगर बोर भी होते बता दिया करो, मैसेज कर दिया करो, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ मैंने दे दिया था शुरू के व्लॉगों में। एक तो जो यू शाम की जो गोल्डन लाइट रहे ना, ये बड़ी अच्छी लगा यार मुझे। एक तो सुबह सुबह की यार, एक शाम की जब सन डाउन होता रहे और सनराइज वाला जो लाइट है ना मॉर्निंग की, बड़ी अच्छी लगा फेस पे, ना बड़ा बेहतरीन फेस दिखाई दे, वैसे ग्लो दिखा लगता है, चमक रहा हूँ एकदम। और वैसे बहुत काला हूँ। अभी मैं घर से चला हूँ तो मैंने 2 ब्रेड ली, उनपे पीनट बटर लगाया और फिर उसके 5-10 मिनट बाद मैंने ब्लैक कॉफी ली। ब्लैक कॉफी मेरी थोड़ी स्ट्रांग होती है तो उससे क्या, ये कॉम्बिनेशन मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार इसका, इससे क्या है एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाती है। तो वही वो मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे आप प्री वर्कआउट लोगे ना ऐसी सेम वो काम करती है, कॉफीन तो होती है यार उसमें। अभी आ गया हूँ जिम, दिन में तो ऐसी लगा मेरी जिम की है, देखो चाबी गिर गई यार। तो भाई आज जल्दी एक्सरसाइज फिनिश हो गई मेरी, बड़ा मजा आया यार। लेकिन अभी देखिए कितनी लाइट है, कितना उजाड़ वर्क है, अभी भी जल्दी कर ली एक्सरसाइज आज। तो भाई घर आके बनाए अभी बनाना शेक, ये सब पी के फिर जाते हैं डॉक्टर के, 7:30 बजे का टाइम है, अब बज रहे 7:10, 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मास्क लगा ले, मास्क लगा तभी जाएगा डॉक्टर, इंजेक्शन लगा देगी अगर नहीं लगाया तो। जल्दी लगा मास्क, ठीक है अभी लगाऊंगा, 2 सुई लगाऊंगा अभी। हाँ ठीक है चल, 2 सुई लगवाऊं क्या अनुभव भी। मास्क
कोने आया यार, तेल रिजर्व में लगी हुई है। है तो सही तेल यार, पर बंद कर रखी है। तो भाई डॉक्टर को दिखा लिया है, अब जा रहे हैं बाहर कुछ खाते। क्या कह रखे भाई पापा खाली, क्या क्या सभी कह रहे हैं यार, मैं क्या का नाम ले दी तो मैं भी कह रहा हूँ बाहर ही खा के चलेंगे। डॉक्टर ने परहेज बता दिया, अब तो वह करे क्या, तो मैं चल अब बाहर ही खा लेंगे। आ गए हम सोनू के यहाँ रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए। मैं तो अपनी फेवरेट मंगाऊंगा मैक्सिकन, जो इसकी सैलेड होती है वो, और क्यान के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया। सेल्फ सर्विस है यहाँ, ये मेरी मैक्सिकन। हाँ, ये मेरा फेवरेट मैक्सिकन सैलेड है यहाँ का, काफी अच्छा बनाते हैं यहाँ। हाँ क्यान, कभी भी आप लोगों को खाना हो तो आना ज़रूर, बहुत ही टेस्टी बनाए हुए हैं इन लोगों ने। मुझे बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई खाने की, इसे जब भी कोई फ्रेंड आता है तो उसे लेके आता हूँ। क्यान ये क्या लिख रहा है इधर राइट में, क्या लिख रहा है? आई लव यू लिख रहा है। मैं आई लव यू लिख रहा है क्यान के लिए। आई लव यू, आई लव यू।